हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एन के मिश्रा क्लासेस। इस वीडियो में आप सीख रहे हैं प्रीपोजिशंस का यूज, अंतर और प्रयोग। क्या क्या सीख रहे हैं आप देख रहे हैं, इन और इनटू, और दोनों का अर्थ में होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा। मीनिंग तो एक है लेकिन अंतर प्रयोग दोनों अलग है। टू और इनटू, टू और इनटू, दोनों का प्रयोग को के लिए होगा, को, लेकिन कहाँ कहाँ प्रयोग होगा उसे सीखना है। ऑन और ऑन टू का प्रयोग पर के लिए करेंगे लेकिन दोनों में अंतर होगा। विद और बाय से के लिए ही प्रयोग करेंगे लेकिन दोनों में अंतर होगा। सिंस, फॉर और फ्रॉम से के लिए यूज करेंगे और तीनों अलग अलग प्रयोग होगा। फॉर और ड्यूरिंग अवधि के लिए यूज करेंगे और मीनिंग में अंतर होगा और यूज में अंतर होगा इसे जानेंगे। इन और विद इन में के लिए यूज करेंगे और प्रयोग में अंतर होगा। अगो और बिफोर, इसका मतलब पहले, लेकिन प्रयोग में अंतर है। लेकिन इन सभी को सीखना है एक एक करके, सभी पर एक एक एग्जांपल हम इतना अच्छे तरीके से, आसान तरीके से समझाएंगे कि आपको अभी कभी समझ में आ जाएगा। अभी आप टोटल 17 प्रीपोजिशन सीखने जा रहे हैं और इसके लिए ज़रूरी है थोड़ा सा धैर्य रखना, ताकि 10 मिनट्स में, 10 टू 15 मिनट्स में इसे कंप्लीट कर लेना है, ताकि जीवन में दोबारा इसके बारे में नहीं पढ़ना पड़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो को ठीक से देखें, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा और देखूंगा कि आप कितना सही जवाब दे पाते हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन और विद इन में क्या अंतर है। दोनों का प्रयोग हम में के लिए करेंगे, लेकिन इनका प्रयोग एट द लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब समय के अंतिम बिंदु, अगर हम इनका प्रयोग करना चाहते हैं तो वो समय के अंतिम बिंदु तक हम कोई कार्य करने जा रहे हैं। मान लीजिए आप बोलते हैं आई विल कंप्लीट द वर्क इन अ मंथ, मतलब आप इस काम को करने में पूरा एक महीना लेने वाले हैं, पूरे एक महीने में आप कार्य को करेंगे। तो इनका प्रयोग कहाँ करेंगे बोलिए, समय के अंतिम बिंदु तक जब हम कोई कार्य को पूरा करेंगे तब हम इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन विद इन का प्रयोग बिफोर द लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, मान लीजिए ये लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम पहले कभी भी इस काम को कर लेंगे। जैसे आई कैन रिपेयर द कार विद इन टू आवर, विद इन टू आवर्स, मतलब हम दो घंटे के अंदर में ही इस कार्य को कर लेंगे। क्या है, बिफोर द लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जो लास्ट पॉइंट है टाइम का उसके अंदर में कोई कार्य कर लेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इन और विद इन का प्रयोग कहाँ करेंगे, इन का लास्ट पॉइंट के लिए और विद इन का लास्ट पॉइंट से पहले। चलिए अगो और बिफोर का यूज कब करेंगे, दोनों का मतलब पहले होता है, तो पास्ट की घटनाओं के लिए अगो का प्रयोग करेंगे, पास्ट की घटनाओं के लिए। जैसे शी मेट मी टू मंथ्स अगो, वह मुझसे दो महीना पहले मिली थी। पास्ट की घटनाओं के लिए हम अगो का यूज करेंगे और बिफोर का यूज घटनाओं को या कार्यों के संदर्भ में बताने के लिए कि इसके बाद ये कार्य हुआ। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी। तो कार्य के विवरण कर रहे हैं हम, कार्य के संदर्भ में ही हम बिफोर का यूज करेंगे, दो कार्य के बारे में बता रहे हैं कि एक कार्य पहले हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि अगो का प्रयोग पास्ट घटनाओं के लिए, कि पास्ट में मैं कोई कार्य किया था, दो साल पहले किया था, एक महीना पहले किया था, तो उसमें हम अगो का यूज करेंगे, और कोई कार्य से पहले कोई कार्य हो गया था उसके लिए हम बिफोर का यूज करेंगे। तो अब देख लेते हैं इन और इनटू में क्या अंतर है और इसका प्रयोग कैसा होगा। एग्जांपल से देखते हैं, देयर इज मनी इन माय पॉकेट, और देखेंगे देयर इज अ टीवी इन द रूम, और दोनों अवस्था के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे स्टेट ऑफ बींग, कुछ होने का बोध कराने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, कहीं पर कोई चीज़ है तो देयर इज मनी इन माय पॉकेट, मेरे पॉकेट में पैसा है, देयर इज टीवी इन द रूम, और रूम में टीवी है, लेकिन दोनों में अवस्था का बोध होता है। लेकिन इनटू का प्रयोग देख लीजिए, ही जंप्ड इनटू द वेल,
ही जंप्ड इंटू द व्हेल या फिर ही फेल इंटू द रिवर, और इन दोनों सेंटेंस में गति का बोध होता है तो हम इन का प्रयोग करेंगे स्टेट ऑफ बींग के लिए, और इंटू का प्रयोग करेंगे मोशन को बताने के लिए, गति बताने के लिए करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट है टू और इंटू का प्रयोग क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। टू और इंटू दोनों गति को दर्शाता है, गतिशीलता है, इसका सेंटेंस में गतिशीलता जरूर रहेगी, गति जरूर रहेगा, लेकिन अंतर क्या है सो देख लेते हैं। ही वेंट टू पटना, ही ओवा पटना गया, को गया, मतलब हम यहाँ पर टू का प्रयोग को के लिए करेंगे, कहीं जाने के लिए, किसी और जाने के लिए। ही इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है, कहीं जा रहा है, किसी और जा रहा है, तो उसके लिए हम टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन इन टू का मतलब ही जाने का ही बोध होगा, लेकिन किस तरीके से होगा। ही वेंट इन टू द रूम, अब यहाँ पर इधर तो को हुआ लेकिन इसमें अंदर जाने का बोध होता है। इंटू का प्रयोग भी हम जाने में यूज़ करेंगे, गति में यूज़ करेंगे, लेकिन इससे हमेशा अंदर जाने वाली बात होगी। तो ही वेंट इंटू द रूम, वह रूम में गया, और ही इज गोइंग इंटू द किचन, और वह किचन में जा रहा है। तो को का मतलब को के लिए टू का प्रयोग करेंगे, और जब अंदर जाने की बात हो तो हम उसमें इंटू का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं ऑन और ऑन टू में क्या अंतर है, और दोनों का यूज हम पर के लिए करेंगे। जैसे सेंटेंस के जरिए देखते हैं, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर बुक है, और इससे स्थिरता का बोध होता है, स्टेबिलिटी का बोध होता है। देयर आर सम चेयर्स ऑन द रूफ, छत पर कुछ चेयर है, कुर्सियाँ हैं, और ये दोनों स्थिरता का बोध कराता है, स्टेबिलिटी का बोध कराता है, और इसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे पर के लिए। और नेक्स्ट है ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, और वह छत पर चढ़ा, और इसमें आप देखेंगे गति का बोध होता है, या ऑन टू का प्रयोग ही करना पड़ेगा, ऑन द रूफ से काम नहीं चलेगा। अगर हम गति का बोध कराना चाह रहे हैं, मोशन का बोध कराना चाह रहे हैं, मोशन को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो ही जंप्ड ऑन टू द टेबल, वह टेबल पे जंप कर गया, कूद गया, और इसमें भी मोशन का बोध होता है, और इसके लिए सिर्फ ऑन से काम नहीं चलेगा, ऑन टू करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं, सिर्फ अगर पर का यूज करना है टेबल पर या कुछ भी, तो हम ऑन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो स्थिरता का बोध कराएगा, स्टेबिलिटी का बोध कराएगा, लेकिन जैसे गति हो गया तो हम ऑन टू कर देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट है विद और बाय का प्रयोग से के लिए करते हैं, और द्वारा भी होता है, बाय का मतलब द्वारा भी, लेकिन से भी होगा। कैसे, जैसे वह शिक्षक से पढ़ता है, वह पिताजी से पिटाई खाता है, तो इसमें भी से हो गया, और मैं कलम से पत्र लिखता हूं, तो ये भी से हो गया। लेकिन देख लीजिए, आई एम राइटिंग अ लेटर विद अ पेन, मैं कलम से एक पत्र लिखता हूं, और जब इंस्ट्रूमेंट का बोध हो, जब किसी साधन का बोध हो, किसी काम को करने के लिए टूल्स का प्रयोग करना पड़े, इंस्ट्रूमेंट का बोध करना, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करना पड़े किसी कार्य को करने के लिए, तो हम उसमें विद का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, इंस्ट्रूमेंट, अगर किसी वस्तु, किसी औजार से कोई काम करते हैं तो उसमें हम विद का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज बीटन द चाइल्ड विद अ स्टिक, उसने इस बच्चा को छड़ी से मारा, तो मारने के लिए किस चीज का यूज किया, छड़ी का, तो उसमें विद का प्रयोग करेंगे। अब ही इज टॉट बाय अ टीचर, वह शिक्षक से पढ़ता है या शिक्षक के द्वारा उसे पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि कोई कार्य किसी के द्वारा हो रहा है, एजेंट या फिर डूअर, एजेंट या फिर डूअर का प्रयोग यहां पर हो रहा है, एजेंट और डूअर के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, तो वहां पर हम बाय का प्रयोग करेंगे। He is beaten by his father, और वह अपने पिताजी से पिटाई खाता है, या पिताजी के द्वारा पिटाई खाता है, तो यहाँ पर पिटने वाला कौन है, कोई डूअर है, कोई कार्य करने वाला है, करता है, और इसलिए हम वहाँ पर बाय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं सिंस, फॉर और फ्रॉम का प्रयोग कैसे करें, और भी से के लिए, इसका मीनिंग होगा से, लेकिन यूज में अंतर है। जैसे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से वर्षा हो रही है, लेकिन यहाँ जो सुबह बताया गया है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय के बारे में बताया गया है कि कब से वर्षा हो रही है, तो सुबह से, और इसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सुबह से 9 बजे से, जनवरी से, फरवरी से, ये सब जब भी होगा तो एक निश्चित समय का बोध होगा, सर्टेन टाइम का बोध होगा, तो हम उसमें सिंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है शी हैज़ बीन वीपिंग
फॉर टू आवर्स, और वह दो घंटे से रो रही है। और इसमें दो घंटा एक पीरियड का काम करता है, एक अवधि का काम करता है, और इसके लिए हम इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर टू आवर्स। जब भी अवधि का बोध हो, ड्यूरेशन का बोध हो, पीरियड का बोध हो, तो उसमें हम प्रयोग करेंगे फॉर का। और नेक्स्ट है, आई विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम जनवरी, मतलब अब यही कार्य पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय हम फ्यूचर के लिए बता रहे हैं कि फ्यूचर में कोई कार्य करेंगे और उसके लिए एक निश्चित अवधि बता रहे हैं। क्या हम जनवरी से इस कार्य को करेंगे, हम फरवरी से इस कार्य को करेंगे, हम 9 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर फ्यूचर में कोई कार्य हम करते रहेंगे, लंबे समय तक करते रहेंगे, तो इसके लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। चलिए अब नेक्स्ट है, फॉर और ड्यूरिंग का प्रयोग अवधि बताने के लिए कैसे करेंगे। तो देखेंगे, आई हैव बीन हियर फॉर टू डेज, जैसा हम यहाँ पर बता चुके हैं, पीरियड बताने के लिए, अवधि बताने के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन ड्यूरिंग इसी में आ जाता है, इसी सूक्ष्म अंतर को समझना जरूरी है। तो आई हैव बीन हियर फॉर टू थ्री डेज, या फिर शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर टू आवर्स। अब इसका प्रयोग कब कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग के लिए, हाउ लॉन्ग, कितने समय तक, कितना अवधि तक, ये बताने के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन अब देखते हैं, आई ऑलवेज ट्रेवल ड्यूरिंग नाइट, और ड्यूरिंग का प्रयोग कब करेंगे, अवधि बताने के लिए करेंगे, लेकिन व्हेन हैपेंस, एक समय बताने के लिए कि कोई कार्य कब होगा, तो कब होगा, नाइट में होगा। कब हम ट्रेवल करेंगे, नाइट में ट्रेवल करेंगे। आई विल बी एट होम ड्यूरिंग दिवाली, और मैं दिवाली में घर पर रहूंगा, तो कब रहूंगा, व्हेन का आंसर अगर मिल जाए तो हम ड्यूरिंग का यूज करेंगे, और हाउ लॉन्ग का आंसर मिल जाए तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे सभी को, अगर थोड़ा सा भी कोई कमी है तो इस वीडियो को फिर से देखिए। लेकिन अब बारी है आपसे सवाल करने की, और देखते हैं आपका जवाब कितना सही होता है। तो आज का सवाल है, मैं 2 महीने पहले लखनऊ गया था, मैं 2 महीने पहले लखनऊ गया था, तो आप क्या यूज करेंगे, बिफोर का यूज करेंगे या फिर अगो का यूज करेंगे, अभी ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखे, और हम एक एक कमेंट को चेक करेंगे और जवाब भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।